मध्य प्रदेश पटवारी संघ लंबित मांगों को लेकर सरकार से नाराज है। मांगे पूरी नहीं होने से नाराज मध्य प्रदेश पटवारी संघ 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। पटवारी संघ के संभागीय अध्यक्ष ब्रजकिशोर नगर ने बताया कि 23 अगस्त से 26 अगस्त तक वे 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। उनकी मांग है कि पटवारियों को 2800 रुपए ग्रेड पे समयमान वेतनमान गृह भाड़ा भत्ता सहित अन्य सुविधाएं दी जाए, यह उनकी वर्ष पुरानी मांग है। नगर निगम ने बताया कि पटवारी संघ के सामूहिक अवकाश पर रहने से सीमांकन नामांतरण बंटवारे सहित कई बड़े काम प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश में लगभग 19,000 पटवारी अभी हड़ताल पे नहीं, 3 दिन के अवकाश पे जाएंगे और आज से हम लोग जितने भी शासकीय ऐप और शासकीय वो बने हैं तो सभी आज से लॉकआउट हो जाएंगे ऐपों से, और 23/8/2023 से 3 दिवस का सामूहिक अवकाश लेंगे, जिसके पश्चात फिर भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 28/8/23 से पूरे मध्य प्रदेश के पटवारी कलमबंद हड़ताल पर जाएंगे। क्या कुछ मांगे हैं बताइए। 20 वर्षों से एक ही मांग चल रही है हमारी, 2800 रुपये ग्रेड का समयमान वेतनमान का गृह भाड़ा भत्ता, ऐसी बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन इसमें प्रमुख मांग हमारी 2800 वेतनमान और समयमान वेतनमान है। अगर चुनावी साल में आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर अगला कदम क्या होगा आपका इस बार? अगला कदम हमारा वही है, कलमबंद हड़ताल का जाने का है। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि इस बार हम मांग पूरी कर देंगे। अभी 25/7 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जल्द से जल्द सुनवाई कर दी जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक भी कोई सुनवाई नहीं की गई है, तो मजबूरन हमें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। क्या क्या काम प्रभावित होंगे इससे? शासन के सभी प्रकार के काम प्रभावित होंगे, नामांतरण है, बंटवारा है, सीमांकन है, गिरदावरी है, मुख्य तो अभी किसान गिरदावरी चल रही है, सभी काम प्रभावित तो होंगे।